महानगर पालिका अंतर्गत स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मनपा द्वारा 4500 दिए जलाकर शुभ दिवाली स्वच्छ दिवाली की प्रतिकृति बनाई गई। इस वक्त विशेष रूप से अतिरिक्त आयुक्त आचिल गोयल उपस्थित थे। नागपुर स्वच्छता और सौंदर्यीकरण में अग्रणी शहर है, जिसके चलते दिवाली त्योहार के मद्देनजर केंद्र सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव और स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक रूपा मिश्रा ने एक राष्ट्रीय वेब चैट में दिवाली अवधि के दौरान एक नया अभियान स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली लागू करने का निर्देश दिया था। इस अवसर पर नागपुर महानगर पालिका ने मुख्य रूप से 3 गतिविधियां शुरू की हैं, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से मौजूद अतिरिक्त आयुक्त आचिल गोयल द्वारा वोकल से लेकर लोकल तक पर्यावरण अनुपूरक दिवाली उत्सव में सभी नागरिकों से इस गतिविधि में भाग लेने का अनुरोध किया गया है। और जहां मनपा अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर मनपा परिसर में 4500 दिए जलाकर दीपोत्सव मनाया, जहां शुभ दिवाली स्वच्छ दिवाली की प्रतिकृति बनाई गई थी। या वर्षी दीपावली साठी आपल्याला भारत सरकारकडून स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली असे निर्देश मिळालेले आहेत। त्याच्या अंतर्गत एक उपक्रम आपण राबवत आहोत, याच्यामध्ये आपण उद्देश एवढाच आहे की लोकांनी पर्यावरणपूरक दीपावली साजरा करावी, आणि त्याही उद्देशाने आपण आज एक कार्यक्रम आपल्या कंपाऊंडमध्ये पण नियोजित केलेला आहे। यासोबत आपल्या कॉर्पोरेशनच्या बिल्डिंगमध्ये आपण ओल्ड क्लॉथ डोनेशन ड्राईव्हसुद्धा घेतली, बरेच कर्मचाऱ्यांनी घरून जुने कपडे आणलेत आणि त्याच्यामधून आपल्याला कापडी पिशवी तयार करता येईल असं आपण NGOसोबत टायअप केलेलं आहे। आपल्या लोकल आर्टिसन्स जे आहे, आपल्या महिला बचत गटांनी जे प्रॉडक्ट्स बनवले त्याचीसुद्धा विक्री आपल्या ऑफिसमधून होत आहे। तर एकंदरीत एक शुभ दीपावली असावी आणि पर्यावरणपूरक साजरा व्हावी या उद्देशाने हे कार्यक्रमाचं नियोजन केलेलं आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मनीष टेमरे, BCN न्यूज नागपूर।